हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी फोर्सेस है जिनको हैंडल करना है हमने, ठीक है ना। आपको वेट, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया कि उनकी डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। ये सब हमें करना क्यों है? क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं विच आर बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F=ma, उसके लिए आप ये समझ लो कि ये थोड़ी सी प्रिपरेशन है बस, कि उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें उन फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, और क्यों ऐसा है वो भी आपको इसमें समझ में आ जाएगी बात कि फ्री बॉडी डायग्राम्स की क्या इंपॉर्टेंस है और इसको बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना कितना सिंपल हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है बच्चों? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है, जो थोड़ा सा हिंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया भी था, फ्री बॉडी डायग्राम्स का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन में बॉडी दे रखी है उस बॉडी को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे और जितनी भी फोर्सेस बॉडी पे लग रही है, बॉडी जो लगा रही है वो नहीं, जो बॉडी पर लग रही है जितनी भी फोर्सेस, वो सारी फोर्सेस हम उस पॉइंट से बनाएंगे। किस तरीके से? देखो सिंपल सिचुएशन की बात करते हैं बच्चों। एक फ्लैट सरफेस पर एक बॉडी रखी है एम मास की, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉडी रखी है जिसका मास कितना है एम। इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करें। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए बच्चों इस पूरी बॉडी को, जो क्वेश्चन में आपके दी हो उसको आप पूरी बॉडी को इग्नोर करके उसको आप एक सिंगल पॉइंट ले लो और वो पॉइंट हम लेते हैं बॉडी का सेंटर। पहला स्टेप आप इसको मान सकते हैं, ये रहा वो पॉइंट। अब कौन कौन सी फोर्सेस इस पे लग रही हैं? इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो चुकी है लास्ट वीडियो लेक्चर में। कौन कौन सी फोर्सेस इस पे लग रही हैं? एक तो इस पे लग रही है नीचे mg, जो इसका वेट है ना, पता है आपको। और जो इसने वेट लगाया सरफेस पे, तो सरफेस ने भी इसको नॉर्मल रिएक्शन दिया ऊपर की तरफ, उसकी डायरेक्शन वगैरह सब मैं आपको बता चुका हूं। तो ये दो फोर्सेस इस पे लग रही हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करेंगे बच्चों? अलग से हम सिर्फ ये पॉइंट बनाएंगे पूरी बॉडी छोड़ के, सिर्फ ये जो हमने बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है ना, तो हम सिर्फ वो पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट पे वो सारी फोर्सेस बनाएंगे जो बॉडी पर एक्ट कर रही हैं। किस तरीके से? उन सारी फोर्सेस का जो टेल है वो बॉडी पे होना चाहिए और हेड होना चाहिए जिस डायरेक्शन में वो फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है उस डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट बात करें हम, तो नॉर्मल रिएक्शन बॉडी पर लग रहा है, ठीक है, तो लॉजिकली ये बैठता है। देखो यही बॉडी है ना हमारी, और नॉर्मल रिएक्शन तो इस पर लग रहा है, तो इस पे एरो होना चाहिए और टेल कहीं और होनी चाहिए क्योंकि बॉडी पे लग रहा है ना। लेकिन हम कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं एरो बॉडी से निकलता हुआ है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसको हमने बॉडी माना है इससे एरो निकलता हुआ, यानी एरो की टेल इस पे होनी चाहिए। अब वेक्टर्स वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप वेक्टर के जो एरो है वेक्टर का, उसको आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम में, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब इसकी लेंथ इतनी रहनी चाहिए और ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं घूमना चाहिए। तो इसलिए अगर हम इसकी बजाय इसे यहां भी बनाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम इसी तरीके से बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, सब फोर्सेस के जो एरोज हैं वो बॉडी पे होंगे, टेल्स हैं सॉरी, सब फोर्सेस के जो टेल्स हैं वो बॉडी पे होंगे और एरो बॉडी से बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, ये इस केस में ये क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें एक स्टेप आप और ले लो, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने नहीं बोला क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी।
क्या स्टेप है पहले हम बात करें। सबसे पहले आप अपने एक्सिस डिसाइड करो, जो मैंने आपको एकदम फिक्स ही बता रखे हैं पूरे काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स में कि ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस, ठीक है। बट इसमें जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि दो डायरेक्शंस में कुछ भी नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये सिंपल केस है, हमारा काम बहुत इजीली हो जाता है। बट ये आप माइंड में रखो, जब एक से ज्यादा डायरेक्शंस में फोर्सेस एक्ट करेंगी तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये पहला केस हो गया आपका, सिंपलेस्ट केस उठा रहा हूं अभी, फिर थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाते जाएंगे। एक बॉडी जो एक रोप से हैंग की हुई है, इसका सेंटर यहां कहीं हुआ, आ जाओ इसका सेंटर ये हो गया, यही बॉडी हो गई हमारी। क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं इस पे? वेट इसका mg नीचे लग रहा है और टेंशन रोप के अलोंग ऊपर लग रही है, तो mg ठीक, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम नंबर थ्री। अच्छा, अगर दो बॉडीज आ गई, सपोज एक बॉडी ये है, ये रोक जाती है, और दूसरी बॉडी है ये, दोनों का हम अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, मतलब हमारे क्वेश्चन में जितनी भी बॉडीज होंगी हर एक बॉडी का अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। पुली भी है तो पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। बॉडी वन एंड दिस इज सपोज बॉडी टू, FBD of one, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वन, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या क्या फोर्सेस है बच्चों इस पे? mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस पे है ना, टेबुलर सरफेस पे, टेबल के सरफेस पे, तो टेबल का सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ, और ये रोप से भी कनेक्टेड है तो इस तरफ टेंशन, ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको यूज कैसे करना है हम वो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा है, तो इस वीडियो में आपको मैं स्ट्रिक्टली ये सिखा रहा हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। और सिचुएशन लेते हैं, इसको मिटा दें एक बार। देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर डिस्कस कर ली जाए कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो इंक्लाइंड प्लेन पे बेस्ड, देखो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना बच्चों, जैसे ये वाला जो था, इसी के बारे में और बात करनी थी हमने, इसमें दो बॉडीज थी, ठीक। बॉडी वन का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, बॉडी वन का फ्री बॉडी डायग्राम क्या था बच्चों? mg, n और t। और बॉडी टू का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? देखो इस पे नीचे फोर्स लग रही है mg और इस पे ऊपर फोर्स लगेगी t। मान लेते हैं हमारा जो ये रोप है ये मासलेस है, तभी इसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी? इक्वल होगी। तो यहां से लेकर यहां तक सेम रोप है ना, तो इस रोप में यहां पे इस वाली बॉडी पे टेंशन इस तरफ, बट इस वाली बॉडी पे टेंशन ऊपर की तरफ, है ना। क्यों है? तो टेंशन का नेचर लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था। इसमें से ये वाली जो फोर्सेस हैं एन, एम जी, टी, इस बॉडी की बात करते हैं चलो पहले। इसमें जो फोर्सेस हैं एन और एम जी, ये हैं बच्चों वाई एक्सिस में, और ये वाली जो फोर्स है टी, ये है एक्स एक्सिस में। तो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये प्लस वाई माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस एक्स, ये क्यों लेना है हमको? ये हमको इसलिए लेना है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो फोर्सेस हैं कौन सी एक्स में है, कौन सी वाई में है। ऐसा क्यों करना है? आपको मैंने टू डायमेंशनल मोशन में क्या बताया था? टू डायमेंशनल मोशन में बताया था कि टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग पढ़ते हैं दो वन डायमेंशनल मोशन में स्प्लिट करके, ठीक। अब जैसे हमारे पास फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए, मैंने आपको यह भी बताया था कि एक फॉर्मूले में जितने भी वेक्टर पैरामीटर्स होते हैं उन सबकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए जब हम उनको स्केलर फॉर्म में लगाते हैं,
तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, F इक्वल टू एम ए को भी बिल्कुल तीनों इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टू डायमेंशनल मोशन में हमने उसको x और y में स्प्लिट कर लिया था, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, है ना, इसको भी हम स्प्लिट कर लेंगे, इसको हम x और y में स्प्लिट करके इस तरीके से फॉर्मूला लगाने वाले हैं, एफ एक्स इक्वल टू, ये छोटा पड़ रहा होगा आपको, यहां पे देखो हमारी ये इक्वेशन है एफ इक्वल टू एम ए, इसको हम स्प्लिट करने वाले हैं दो डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए, एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स और एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, एक्स में एक्स एक्सिस में नेट फोर्स, एक्स एक्सिस में नेट एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस में नेट फोर्स और वाई एक्सिस में नेट एक्सेलरेशन, एफ एक्स एंड एफ वाई आर नेट फोर्सेस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस एंड ए एक्स एंड ए वाई आर नेट एक्सेलरेशंस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से भी पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने किसे एक्स और किसे वाई लेना है, ठीक। अगर इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन ना हो, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है टेढ़ा, अभी बात करते हैं उसकी, और सारे बॉडीज ऐसे या ऐसे में हो, सारे सर्फेसिस ऐसे हो या बॉडीज ऐसे हो, यानी सारी फोर्सेज आपकी इस तरीके से हो, तो हम ये फिक्स कर लेते हैं बच्चों, अदर देन इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चंस हमने फिक्स कर लिया, ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये प्लस एक्स है, माइनस एक्स है, प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चंस को छोड़ के, उनको क्यों छोड़ा हमने उसकी भी हम बात करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, क्लियरली हमें जो अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसमें हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो सारी फोर्सेज हैं, हमने जो एक्स और वाई एक्सिस डिसाइड किए हैं उसके अलोंग होनी चाहिए, तब आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसका रीजन ऑब्वियस है कि मैंने एक्स और वाई को अलग अलग ट्रीट करना है, तो अगर मैं नेट फोर्स एक्स में निकालना चाहता हूं तो पहले सारी फोर्सेस एक्स में मुझे पता तो होनी चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो इस सरफेस पे इस ब्लॉक को हमने ऐसे करके खींचा, एक रोप से बांधा है हमने इसको, और थीटा एंगल पे एफ फोर्स लगा के हमने इसको पुल किया बच्चा, ठीक है। अभी इंक्लाइन प्लेन तो है नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यही हमारे एक्स और वाई, तो हमारी जो फोर्सेस हैं वो एक्स और वाई डायरेक्शन में होनी चाहिए सारी, ठीक है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो एन ऊपर रहेगा, एम जी नीचे रहेगा, लेकिन ये वाली जो फोर्स है, ये फोर्स हमने जो एक्स और वाई लिया उसमें से किसी भी एक्सिस में नहीं है, ये तो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे एक्स और वाई के बीच में। बट अगर तो आपकी फोर्सेस एक्स और वाई के अलोंग है तो बहुत बढ़िया, अगर फोर्सेस एक्स और वाई के अलोंग नहीं है तो आप लोगे उनके कॉम्पोनेंट्स, ये एंगल थीटा है ना, तो इसका इस तरफ कॉम्पोनेंट हमारा एक्स यही है, तो इस तरफ इसका कॉम्पोनेंट हमें चाहिए, और ये कितना हुआ एफ कॉस थीटा, और इसका इधर कॉम्पोनेंट कितना हुआ एफ साइन थीटा। अब इसको हम छोड़ दें, अब इसकी जरूरत नहीं रही, हमने इसके कॉम्पोनेंट्स बना लिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और इस तरफ आपका आ जाएगा एफ साइन थीटा। अभी तो हमें एफ की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू नहीं पता, तो हमें नहीं पता कि एन बड़ा है या एफ साइन थीटा बड़ा है, तो हम किसका एरो छोटा, किसको बड़ा, किसका बड़ा होना है वो हमें जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब देखो, अब सारी फोर्सेस या तो एक्स में है या वाई में, अब आगे क्वेश्चन में काम होगा, ठीक। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि या तो सारी फोर्सेस हमारी एक्स में हो या वाई में हो, और अगर कोई बीच में है तो उसके कॉम्पोनेंट्स लेने, ठीक। देखो, इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन में एक्स और वाई एक्सिस हम थोड़ा सा अलग लेते हैं बच्चों, उसका रीजन है, पहली बात तो यह है कि आप एक्स और वाई किसी भी डायरेक्शन में लो, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब ये नहीं कि एक्स और वाई 60 डिग्री पे ले लें, एक्स और वाई तो परपेंडिकुलर है, आप एक्स कहीं पर भी लो, आप एक्स किसी भी डायरेक्शन में लो, आप वाई उसके परपेंडिकुलर लो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन
मैक्सिमम क्वेश्चंस में वाई को ऐसे लेना और एक्स को ऐसे लेना फायदेमंद रहता है, वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में ज्यादातर फोर्सेस इसके अलोंग होती हैं और जो नहीं होती हैं हम उनके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। बट जब इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम फोर्सेस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होती हैं, तो अगर मैं तब भी एक्स ऐसे लूं और वाई ऐसे लूं क्वेश्चन तो मेरा तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत कम फोर्सेस होंगी जो ऐसे या ऐसे में होंगी और मैक्सिमम के मुझे कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे फिर और मेरा काम बढ़ जाएगा। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे ये बॉडी है और ये एंगल है इसका थीटा, ठीक। इंक्लाइंड प्लेन का सिंपलेस्ट केस लेते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी है और फ्रिक्शन तो है नहीं, क्योंकि हमने बोला अभी फ्रिक्शन वाला तो हम कुछ करने नहीं वाले, तो इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी, ठीक। अच्छा ये नीचे गिरेगी, हमने इसको नीचे गिरने से रोक दिया, पहली बात तो चलो हमने इसको रोका नहीं है। और सिंपल केस मैं आपको बता देता हूं, तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब ऐसे स्लोपी है ना, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है थीटा, ओके, इसका मास है एम। अच्छा तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगी बच्चों इस पे, वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए, एम जी एन, क्या और भी कोई है, नहीं और तो कोई नहीं है ना। तो सिर्फ इतना जो सिंपल केस है, जो इतना सिंपल केस है क्योंकि सिर्फ दो फोर्सेस हैं इसमें, तो आप ऐसे भी एक्स और वाई ले लो तो भी आपका काम हो जाएगा। पहले मैं ऐसे ऐसे में बताता हूं आपको, तो अगर मैं ऐसे वाई और ऐसे एक्स लेता हूं तो एम जी तो मेरा ऑलरेडी वाई में है, तो मुझे किसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, एन के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, तो ये एन के कंपोनेंट्स हो गए। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है, ऐसे 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 चलेंगे ना, ऐसे देखो ऐसे, तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये पूरा 90 है। नहीं समझे ना, थोड़ा सा मुझे ठीक से समझाना पड़ेगा इसको। इसको ऐसे देखो, ये वाली लाइन उठा के यहां रख दो, ठीक, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और ये एन यहां रख दो, ये तो पूरा परपेंडिकुलर है ना, इस एन को उठा के यहां रख दो, ये तो पूरा परपेंडिकुलर है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। अब इसको वापस ले चलो एक बार फिर से बनाते हैं, कंफ्यूजन बढ़ रही है, थीटा mg n और n के कंपोनेंट्स इधर और इधर, अभी हमने देखा ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हुआ, दिस इज n, सो दिस वन इज n cos थीटा एंड दिस वन इज n sin थीटा, ठीक। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप ऐसे बना लो, जब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, फोर्सेस तो यहां भी दिख रही है बट दो ही थी, कम फोर्सेस थी ना उसके कंपोनेंट्स बनाए, कंफ्यूजन कम है, लेकिन ज्यादा फोर्सेस होती हैं तो हम खुद कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अब जब हमने एन के कंपोनेंट्स बना दिए तो हमें एन की जरूरत नहीं है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिर्फ वही फोर्सेस बनाते हैं बच्चों जो एक्स और वाई में हमारे पास बचती है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो एम जी नीचे रहेगा, एम जी नीचे रहेगा, एन साइन थीटा इधर आएगा और एन कॉस थीटा यहां, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, यानी कि हमारी जो फोर्सेस हैं एन साइन थीटा एक्स में है, एन कॉस थीटा और एम जी वाई में है, ठीक। पर अब इस सिचुएशन में अगर एक चीज भी एक्स्ट्रा हो जाए, एक फोर्स भी एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे मान लो यहां पर एक वॉल है
और उस वॉल से हमने एक रोप से इसको बांध दिया, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के एंड में एक वॉल है और उस वॉल से हमने रोप से इस ब्लॉक को बांध दिया। अब टेंशन का भी रोल आ गया यहां पे। आप देखो कि जैसे जैसे इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस में फोर्सेस बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे इंक्लाइन प्लेन क्वेश्चन में फोर्सेस बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे वो ज्यादातर फोर्सेस जितनी भी एक्स्ट्रा एड होती जा रही है इंक्लाइंड प्लेन के, या तो पैरेलल होती हैं या परपेंडिकुलर होती हैं। अब देखो mg, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये n और ये t। अब t क्या है? t इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है। n क्या है? n इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। और mg ही एक ऐसी फोर्स है जो हमारे लिए वो x और y में आती। तो अब अगर मैं अभी भी इसको y और इसको x लेता हूं तो मुझे इसके भी कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे और मुझे इसके भी कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करें, जो हमारा तरीका है वो क्या है? अब आपको ये बात याद रखनी है कि इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन में फॉर दोज बॉडीज विच आर ऑन द सर्फेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, उन बॉडीज के लिए एक्स आप हमेशा लो, एक्स आप लो एक्स एक्सिस पैरेलल टू प्लेन और वाई एक्सिस आप लो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसे ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये आपका वाई एक्सिस होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो आप अपना काम कर लोगे बहुत इजी। क्यों? अगर मैं इसको x और इसको y लेता हूं तो n और t दो फोर्सेस तो मेरी x और y के अलोंग आ गई। अब मुझे कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे सिर्फ mg के, और उसके कंपोनेंट्स के लिए क्या होता है बच्चों? आप याद रखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होता है। कैसे? आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप याद करो ऐसे करके ऐसे जाना और फिर ऐसे अल्टरनेट इंटीग्रल, ऐसे जाके ऐसे आना, तो ये एंगल थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है और ये पूरा भी तो 90 है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी पूरा 90 है, तो ये एंगल थीटा। आप एक बात हमेशा याद रखो कि जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होता है, जो एक मिनट, जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है सरफेस से, वही mg इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाले अपने कंपोनेंट से एंगल बनाता है, यानी ये वाला एंगल। तो ये वाला कंपोनेंट हमेशा mg cos थीटा होता है। इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन देखते ही आपको mg के साथ ये mg cos थीटा बना देना, ठीक। और ये फिर हुआ mg sin थीटा, ठीक। तो अब आप फ्री बॉडी डायग्राम में तो आप सीधा ही बनाओगे ना, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में तो हमने बस ये देखना है कि हमारी एक्स में कौन सी फोर्सेस है, वाई में कौन सी फोर्सेस है। ऐसा नहीं है ना कि अगर क्वेश्चन में मैंने एक्स इसको लिया और वाई इसको लिया तो मैं फ्री बॉडी में भी ऐसे ही बनाऊंगा। फ्री बॉडी डायग्राम में तो मैं इसको ऐसे करके बना दूं, क्या फर्क पड़ता है? फ्री बॉडी डायग्राम में तो मैंने बस ये देखना है ना मेरी एक्स के अलोंग कौन सी फोर्सेस है, वाई के अलोंग कौन सी फोर्सेस है। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, वाई एक्सिस में नीचे mg cos थीटा, ऊपर n, ठीक है, इधर t और इधर mg sin थीटा। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। आगे क्या करना है इन क्वेश्चंस में उसकी बात होगी बच्चों, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं हो रही है, अभी हम सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया तो आप ये समझो आधा युद्ध तो जीत लिया आपने, युद्ध ही तो है ये क्वेश्चन आपके लिए, शुरू शुरू में होते हैं। एक बार समझ में आ गई बात तो इससे ऐसी कुछ भी नहीं। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, क्लियरली आपको पता लग जाना चाहिए। ये वाली फोर्सेस मेरे एक्स में है, ये वाई में है और कोई बची नहीं है, सबके मैंने या तो वो एक्स और वाई में कवर हो गई है या उनके कॉम्पोनेंट्स लेके उनको एक्स और वाई में कवर कर लिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स और उठा लेते हैं। हाँ, इंक्लाइंड प्लेन का ही हम और ले लेते हैं, एक दो फोर्सेस और बढ़ा देते हैं। जैसे यहां पर इंक्लाइंड प्लेन पे इसका एंगल है थीटा और एक बॉडी रखी है जिसपे ऐसे फोर्स लगाई हमने पैरेलल टू द सरफेस, तो ऐसे बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाई,
एफ, ठीक, पैरेलल टू द ग्राउंड। अच्छा, और ये बॉडी एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और पुली के ऊपर पास करती हुई, पुली थोड़ा बड़ा बनाएंगे, पुली के ऊपर पास करती हुई इधर से दूसरी बॉडी से अटैच, ठीक है, ओके। बॉडी वन, ये बॉडी वन है, ये टू है, ठीक है, आप याद रखें। सो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। अब ये वाली जो है हमारी पैरेलल टू द प्लेन है, एक्स हमारा पैरेलल टू द प्लेन होगा और वाई हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा क्योंकि ये इंक्लाइन है, ठीक। तो एफ जो है वो कहीं पर भी नहीं आया, F जो है हमारा ना पैरेलल टू द प्लेन आया ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन आया, तो F के कंपोनेंट्स बनेंगे और दूसरा mg के कंपोनेंट्स बनेंगे। बच्चों mg जो है ये वाला एंगल थीटा होता है, ये mg के कंपोनेंट्स हो गए आपके mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये टेंशन, हो गए सारी फोर्सेस कवर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन तो हमारा वाई और एक्स में है, mg के हमने कंपोनेंट्स ले लिए, बचा क्या, बचा F। बच्चों ये ऐसे लग रही है पैरेलल, ये पैरेलल हो गई ना दोनों लाइंस, तो अगर ये एंगल थीटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या हुआ थीटा, तो F का थीटा यानी t की डायरेक्शन में F cos थीटा हुआ कॉम्पोनेंट और mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हुआ F sin थीटा। यहां पर नहीं बनाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम में बनाते हैं सीधा। तो y में क्या है, n है, y में n है और नीचे की तरफ y में एक तो mg cos थीटा है और दूसरा F का ये कॉम्पोनेंट भी इधर था, कौन सा, F sin थीटा, है ना, F sin थीटा, वाली वाली कवर हो गई। एक्स में टेंशन है और एक्स में क्या है, एफ कॉस थीटा और इस तरफ क्या है, एमजी साइन थीटा। तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया इसका, बस एक्स और वाई की सारी फोर्सेस आ गई, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इस पर्टिकुलर केस में भी बच्चों दो फोर्सेस के हमको कंपोनेंट्स बनाने पड़े और दो के नहीं बनाने पड़े, तो हमारा काम बराबर ही रहता अगर इसको वाई और इसको एक्स में ले लेता। बट फिर भी मेरा सजेशन और बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है कि इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन में आप इसको एक्स और इसको वाई लोगे तो सुखी रहोगे। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या जरूरत है, जब दोनों में बराबर हो रहा काम बराबर नहीं हो रहा। बच्चों यहां पर बहुत इजीली पता लग गया कि एंगल थीटा एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, एन का टी का वो सब एंगल निकालने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, ठीक है। तो हम फिक्स कर लेते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन में हमारा ये एक्स होगा और ये वाई होगा। अच्छा, ये है बॉडी, इसी क्वेश्चन में दूसरी बॉडी है, तो बच्चों इसीलिए मैंने यहां पर दो बॉडीज ली। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक ही क्वेश्चन की डिफरेंट बॉडीज के लिए हम एक्स और वाई डिफरेंट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मानो कि इसमें ये वाई है, ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है, ये वाई है, तो आप इसके भी कॉम्पोनेंट सोचो कि ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो ऐसे लेने नहीं, इसकी तो इस पे क्या क्या फोर्सेज हैं, इस पे टी ऊपर रहेगा और एमजी नीचे रहेगा, तो इसके लिए तो हमको पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है, ये वाई है ये एक्स है, इसके लिए खत्म। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा टी ऊपर एमजी नीचे, खत्म, कोई दिक्कत, ठीक, ओके। एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे, इसके ऊपर मैं आपको काफी डिटेल में क्वेश्चंस कराऊंगा। दो केसेस, एक तो ये जिसमें कि आपके ब्लॉक्स जो हैं वो एक रोप से बंधे हों, मैं दो ब्लॉक्स दिखा देता हूं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट यही रहेगा। एक ब्लॉक वन है, ये ब्लॉक टू है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका, ये मासलेस रोप है तो इसमें टेंशन हर पॉइंट पे क्या होगी, डिफरेंट होगी, मासलेस नहीं है, मास वाली लेने, ठीक है, चलो इस रोप का भी मास है, पहले सिंपल बात कर ले ना। वैसे भी आपको मैंने बोला 99% क्वेश्चन में आपका रोप जो है वो मासलेस होने वाला है, तो मासलेस रोप है तो दोनों तरफ टेंशन क्या होगी, बराबर होगी। वैसे भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट,
दोनों तरफ टेंशन क्या होगी, मतलब रोप में हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं, इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन तो है नहीं, तो ये मेरा वाई हो गया, ये एक्स हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं वन के, तो इधर एफ, इधर टेंशन है ना, इस वाली बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टेंशन इधर होगा, एम वन जी नीचे, मान लो इस बॉडी का मास है एम वन, और इस बॉडी पे जो ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है वो ऊपर। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, ये सेकंड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, ये बना देता हूं बॉडी टू का, क्या क्या फोर्सेस हैं इस पे टेंशन लगेगी इस तरफ, और रोप मास लिया जाए तो टेंशन दोनों पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। टी इस पे वो ग्राउंड जो नॉर्मल रिएक्शन देगा एन टू, और एम टू जी नीचे, बहुत सिंपल है। इंक्लाइंड प्लेन भी नहीं था, किसी कंपोनेंट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यही इसको थीटा एंगल पर फोर्स खींच रही होती तो इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत, ठीक है ओके। और एक ये जिसमें कि सारे ब्लॉक्स आपस में कॉन्टेक्ट में होते हैं, इसमें भी मैं आपको दो ब्लॉक्स दिखा देता हूं, आगे क्वेश्चन में ज्यादा करा दूंगा बट जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट सेम है। यहां से हमने एक फोर्स से इसको पुश किया एफ फोर्स, ये ब्लॉक वन है, ये ब्लॉक टू है। फर्स्ट वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस पे फोर्स लग रही है इधर, तो इधर से नहीं दिखाना, जो बॉडी पे फोर्स लग रही है उसका एरो बॉडी से शुरू होगा है ना, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में एफ इधर, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड इसको देगा इधर, एन वन जी नाम लग रहे हैं इसका, एन वन जी मतलब ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन फर्स्ट बॉडी पे। क्यों रखा है हमने, क्योंकि इस पे और भी नॉर्मल रिएक्शन है, कैसे मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन वाले वीडियो में बताया था, ये इस सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में भी है ना, तो बॉडी ये वन को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो वन टू को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, सॉरी तो टू वापस वन को वही नॉर्मल रिएक्शन देगा। नॉर्मल रिएक्शन मैंने बोला था एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, वन ने टू पे जो लगाया टू वन पे वही लगाएगा, तो मान लो वन ने टू पे एन लगाया तो टू ने वन पे वापस एन दिया, किस तरफ, इस तरफ ना, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन एन एक इधर लगेगा जो इसका है, ठीक, बिकॉज मान लो ये बहुत हैवी है, मान लो ये दीवार है, ये ब्लॉक है, आप इस पे कितना भी धक्का मार लो ये आगे नहीं जाएगा, तो आप तो फोर्स दे रहे हो ना, तो आप कहोगे दीवार रोक रही है, एज अ कॉमन मैन क्या बोलेगा, दीवार रोक रही है, साइंटिफिक टर्म क्या है उसके लिए, कि वॉल उस पे, हम ब्लॉक उस पे एफ फोर्स लगा रहा है, और वॉल उस पे, मतलब हमने ब्लॉक पे एफ फोर्स लगाई तो ब्लॉक से वॉल के साथ कॉन्टेक्ट में, वॉल ने उस पे नॉर्मल रिएक्शन दिया, और ब्लॉक ने वॉल पे नॉर्मल रिएक्शन दिया, वॉल ने ब्लॉक पे वापस नॉर्मल रिएक्शन दिया, और उस नॉर्मल रिएक्शन ने हमने जो फोर्स लगाई थी उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि ये सवाल पूछते बच्चे भाई हमें क्या पता नॉर्मल रिएक्शन लग ही रहा होगा, सिचुएशन लगा के देखो ना, वो अपोज करती है ना, अगर ये कोई हैवी ब्लॉक हो तो वो वापस अपोज करता है ना, तो कोई ना कोई फोर्स तो वो लगा रहा है, कोई ना कोई फोर्स नहीं होती बच्चों, जो सर्फेसिस कॉन्टेक्ट में है वो नॉर्मल रिएक्शन ही लगाते हैं एक दूसरे पे, फ्रिक्शन भी लगाते हैं, बट अभी हम उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, इसने वन ने टू पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया ना, जो टू ने वापस वन को दिया एन, तो इधर, और इस पे ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन एन टू जी, और इसका वेट एम टू जी, और इधर इस पे कोई फोर्स है क्या, उधर से नहीं, इस पे कोई फोर्स नहीं, बस इसका नॉर्मल, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया ये। तो ऐसे क्वेश्चन में भी एक्स और वाई ऐसे हमने, कोई दिक्कत नहीं है, एक ब्लॉक हो, दो ब्लॉक हो, वर्टिकल में ब्लॉक हो, एक बॉडी पकड़ लो और उस पर ध्यान से देखो डायरेक्ट उस पर कौन सी फोर्स लग रही है। अच्छा अब यहां पर बच्चे पूछते सर इस एफ का इंपैक्ट यहां भी तो होगा, तो इसमें इस एफ को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं टू के फ्री बॉडी डायग्राम में, जो डायरेक्ट उस बॉडी पे फोर्सेस लग रही है बच्चों उन्हीं को इंक्लूड करना है, इसका जो इसका इफेक्ट जो इस पे है ना इसकी वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन जो पैदा हुआ है उस नॉर्मल रिएक्शन ने इसका इफेक्ट यहां पर दिखाना है, वो अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएगी चीज, लेकिन डायरेक्टली वन पे तो एफ नहीं, टू पे तो एफ नहीं लग रहा ना, वन पे लग रहा है, तो हम ऐसे नहीं बनाते, डायरेक्ट उस पे जो जो फोर्सेस लग रही हैं अपना एक्स और वाई डिसाइड करके उनके कंपोनेंट्स बना लो, अगर वो एक्स और वाई में नहीं है, अगर वो एक्स और वाई में है तो डायरेक्ट बना दो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करूंगा।
ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करते रहो।